दो तरफ कट गया और इधर से नहीं कट रहा है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है। मशीन को गलत नहीं बोलूँगा, स्प्रिंग वाला भी मशीन को मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैं बताया कि भैया स्प्रिंग से अच्छा नट बोल्ट होता है तो वो हम ही को डांटने लगे। वो बोल रहे कि नहीं स्प्रिंग सही होता है। ठीक है भाई, स्प्रिंग वाला जाके ले लो, तुमको जो मन है वो ले लो, लेकिन ये मैं मीटर लगा के आपको समझा रहा हूँ कि ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर देखिए अभी कहाँ गया हुआ है, इस चीन में, बल्कि इसको बीच में। यार मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनका जो है पेपर प्लेट मशीन का डबल डाई या सिंगल डाई मशीन है, उनमें क्या होता था कि पेपर प्लेट दोना थाली एक तरफ से कट जाता है और एक तरफ से नहीं काटता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ कि ये कटिंग क्यों नहीं होता है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है लोगों को, क्या चीज़ देख समझ के मशीन को खरीदना चाहिए, और अगर आप खरीद लिए हैं इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे कैसे ठीक करें, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो है डाई होता है मशीन में, ये डबल डाई की मशीन है, चाहे वो सिंगल डाई की मशीन हो, सब मशीन में सेम रहता है ये, इसके ऊपर चदरा रहता है। और कटिंग क्यों नहीं करता है, तो डाई को पहले ऊपर की तरफ मैं उठा के दिखाता हूँ। इसमें ध्यान देने बात ये है कि इसमें देखिए ये चदरा होता है, तो मेनली रीज़न क्या होता है कि कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि डाई के ऊपर जो है चदरा को क्या करते हैं कि चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि डाई का कटर उस चदरा पे प्रेस करता है, पेपर पे प्रेस नहीं करता है। उस स्थिति में डाई भी ख़राब हो सकता है और क्या हो सकता है कि आपका पेपर भी कटिंग नहीं करता है। तो एक तरफ कटता है एक तरफ नहीं कटता है, तो इसका फर्स्ट रीज़न जो है यहाँ से है, चदरा सेटिंग लोग सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ये क्या है देख सकते हैं, डाई का भाग ये ऊपरी भाग है और इसके नीचे ये ढलान है, तो ये कभी भी जो है इसके ऊपरी भाग में नहीं रहना चाहिए, चारों तरफ से क्या रहना चाहिए, इसके नीचे रहना चाहिए। इस चदरा को, इस तरीके का जो चदरा आता है मशीन में लगा हुआ रहता है, वो हमेशा जो है ध्यान रहे डाई के ऊपरी भाग पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो जगह कटिंग भी नहीं करेगा और डाई भी ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या होता है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये चदरा तो सही है, अभी आप देख रहे हैं ये चदरा सही है, फिर भी एक तरफ से कट रहा है एक तरफ से नहीं कट रहा है, नया डाई है, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के साथ आता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब क्या करेंगे कि एक पेपर मैं काट के दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आता है। तो देखिए अभी आपके सामने में डाई प्रेस हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में, और डाई प्रेस होने के बाद मैं दिखाऊंगा कि इसमें कटिंग हो रहा है कि नहीं। फिलहाल डाई को मैं हीट नहीं किया हूँ, क्योंकि हीट कर दूंगा तो मेरा हाथ जल सकता है, इसीलिए मैं जो है दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीन तरफ कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, लेकिन इस तरफ नहीं कटा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैं एक बार और प्रेस करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप लोग कैमरा जूम करके नहीं दिखाते, तो अब भाई क्या आपके इतना जूम करके दिखा रहा हूँ, बशर्ते आप लोग सही तरीके से वीडियो को देखते नहीं हैं, अंत तक समझते नहीं हैं, तो समझ में कैसे आएगा। तो मैं अभी दोबारा करके दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी नज़दीक कैमरा करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं तो ये कटिंग प्रॉब्लम कभी भी आपका सही नहीं होगा और यही हो जाएगा। क्योंकि गलत मशीन तो पहले परचेज कर लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि मैं फेल हो गया, गलत रॉ मटेरियल परचेज कर लोगे, उसके बाद बोलोगे कि मेरे को पैसा नहीं बचता, लाभ ही नहीं होता। तो किसी दूसरे को जो है गलत ठहराने से अच्छा है कि पहले उस चीज़ का अध्ययन कीजिए, उसके बारे में समझिए, सोचिए, तब उस चीज़ में आइए, आप फेल नहीं होइएगा। सो मैं अब अलग की बातें नहीं करूँगा, एक और पत्ता काट के मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैं इसका प्रॉब्लम बताऊँगा कि इसको सही कैसे करें। तो ये डाई देख सकते हैं प्रेस हो रहा है, और प्रेस होकर इसी तरीके से डाई उठता है। ये मैं स्लो करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फास्ट में समझ में नहीं आता है तो स्लो में समझ में आएगा। देख सकते फिर भी वही प्रॉब्लम है, देख सकते दोना क्या हुआ, ये दो तरफ कट गया और इधर से नहीं कट रहा है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है। तो इसका ठीक करने का देखिए, मैं बता दिया था कि चदरा के कारण एक तरफ चदरा चढ़ जाता है तो कटिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ देख सकते हैं चदरा तो चढ़ा हुआ कहीं से भी नहीं है, चारों तरफ जो है खाली है,
चारों तरफ बिल्कुल जगह खाली है, चदरा कहीं से चढ़ा हुआ नहीं है। अब आते हैं डाई के नीचे। डाई के नीचे प्लेट रहता है और प्लेट के नीचे बहुत सारे जगहों पे स्प्रिंग वाला रहता है। तो मैं किसी भी मशीन को गलत नहीं बोलूँगा, स्प्रिंग वाला भी मशीन को मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैं बताया कि भैया स्प्रिंग से अच्छा नट बोल्ट होता है, तो वो हम ही को डांटने लगे। वो बोल रहे कि नहीं, स्प्रिंग सही होता है। ठीक है भाई, स्प्रिंग वाला जाके ले लो, तुमको जो मन है वो ले लो। लेकिन एक समझने वाली बात होती है कि अगर स्प्रिंग वाला मशीन में, जैसा कि ये कटिंग अभी प्रॉब्लम आ रहा था कि दो तरफ कट रहा है, एक तरफ नहीं कट रहा है, तो स्प्रिंग वाला मशीन में क्या प्रॉब्लम आता है कि एक स्प्रिंग ज़्यादा लूज हो गया और एक स्प्रिंग हार्ड हो गया। मान लीजिए आपका एक स्प्रिंग टूट गया, स्प्रिंग तो बार बार टूटता है, जो लोग मशीन चला रहे हैं उनको मालूम होगा। तो एक स्प्रिंग हम चेंज किए, मेरा चार स्प्रिंग लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, एक उधर और एक इधर, चार स्प्रिंग में से मान लीजिए मेरा ये स्प्रिंग टूट गया, हम बाज़ार से ला के ये चेंज किए, ये स्प्रिंग क्या है, थोड़ा हार्ड है, ये लूज है, तो डाई इधर थोड़ा कम प्रेस करेगा और इधर तो पूरा नीचे तक, तो ये क्या पर जहाँ हार्ड प्रेस है वहाँ तो कट जाएगा, लेकिन जहाँ लूज पड़ रहा है वहाँ उसको नामे कटिंग नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम अभी नट बोल्ट वाला में है, मैं प्रॉब्लम करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो इसमें देख लीजिए, ये नट देख लीजिए और ये नट देख लीजिए, ये नट यहाँ से लूज है और उधर भी देख लीजिए, उधर और ये नट देख लीजिए काफ़ी लूज है। तो ये क्या है, ये प्लेट एक समान नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उसमें तो चदरा, ये बिना चदरा का है। इसमें आप बारीकी से समझिएगा, ये जो नट है ना, ये चार नट होता है और यही चार नट प्लेट को क्या करता है कि समतल रखता है एकदम। ये देखिए मैं मीटर लगा के आपको समझा रहा हूँ कि ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर देखिए अभी कहाँ गया हुआ है, इस चीन में, बल्कि इसको बीच में रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये देख लीजिए, ये कैसे, ये यहाँ नट बोल्ट कसा हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसको जो है नीचे करके रखा हूँ। तो ये क्या है कि इधर तो ठीक है और उधर भी ठीक है, लेकिन इधर झुका हुआ है। तो ये क्या होता है, जिस हिस्सा में झुका हुआ रहता है उस हिस्सा में कटिंग नहीं करता है। अब देखिए वाटर लेवल में बराबर करता हूँ इसको, देखिए ऊपर किया तो देख ले वाटर लेवल देखिए बिल्कुल बीच में आ गया, और नीचे करूँगा तो देखिएगा ये नीचे चला जाएगा। ये देखिए वाटर लेवल इधर आ गया। तो ये क्या है कि ये झुक जाता है। सेम वही प्रॉब्लम क्या हो गया है, इस डाई में हो गया है। इस डाई में क्या हो रहा है कि हमारा एक तरफ कटिंग कर रहा है और एक तरफ कटिंग नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको जिस तरफ कैसे कटिंग नहीं कर रहा है उस तरफ को नट के ऊपर कर लेंगे, उस नट को। तो फिलहाल अभी उसको ऊपर करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ इसको जैसे ये टाइट करेंगे तो हमारा ये प्लेट जो है, ये प्लेट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसी साइड जो है कटिंग नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर मैं पेपर लगा के आपको मैं चालू करके दिखाऊंगा। एक समान रहना चाहिए, जो ये चारों प्लेट का नट जो होता है वो एक समान रहना चाहिए, ये नहीं कि इधर झुका हुआ है और इधर। देखिए सबको हम एक समान कर लेते हैं और उसके बाद मैं पत्ता कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, ये कटिंग होने लगेगा। इसको देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ था, तो इसको भी जो है एक समान कर लिए, इसको भी एक समान कर लिए, और उधर से भी जो है ये दोनों को एक समान। ये भी लूज है, इसको टाइट कीजिए, इसको और टाइट कीजिए। अब जो है चारों को क्या किए हैं, हम एक समान कर लिए हैं। अब इसमें पेपर लगाएंगे और पेपर लगा करके, और उसके बाद फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये पेपर जो नहीं कट रहा था, ये दोना है, और फिर से मैं पेपर लगाया हूँ, देख सकते हैं ये डाई जो है अब नीचे आ रहा है, ये डाई प्रेस कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये कटिंग करता है किस प्रकार से, क्योंकि नट जो नीचे था वो नट, चारों नट को जो है हम लोग क्या किए हैं कि एक समान कर लिए। तो अब इसका कटिंग करके मैं दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं पेपर रख के और मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ सारे सेटिंग करने के बाद, और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कटिंग करता नहीं है। ये स्लो में मैं कटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे। तो देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि उस वक्त क्या हो रहा था, एक तरफ से कट रहा था और एक तरफ से नहीं कट रहा था। तो अभी देख सकते हैं ये सारा सेटिंग जो है हो चुका है और ये कटिंग कर चुका है, देख सकते हैं। ये सिर्फ
जो है अभी हीटिंग नहीं है, फिर भी जो है पूरी पूर्ण रूप से ये कटिंग कर दिया डोना, और हीट होगा तभी जो है इसका शेप बनेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कितना वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ से फुल हीट होता है तब जो है कटोरा का डिज़ाइन बनता है। तो ये चारों तरफ से काट दिया, तो इसी तरीके से जो है सेटिंग किया जाता है। नया डाई में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तरफ कट रहा है एक तरफ नहीं कट रहा है, तो स्प्रिंग वाला मशीन है तो उसमें हो सकता है कि जिस तरफ नहीं कट रहा है उस तरफ का स्प्रिंग लूज है, और नट बोल्ट वाला मशीन है तो समझ जाइए कि मैं वाटर लेवल तक यूज करके तो दिखा दिया कि एक तरफ अगर एक सूता दो सूता गिर जाए तो क्या होगा कि ऊपर से आने वाला कटर उस जगह को प्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो उस जगह को कटिंग कैसे करेगा। तो इसीलिए सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मशीन के लिए। ये डबल डाई का मशीन है और इस मशीन में मैं आपको बताया हूँ, और आपको किसी भी तरीके का मशीन हो तो सेम सब में सेम लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं सब में ये सेम लगा हुआ रहता है। 16-16 इंच तक का डाई का मशीन जो है उपलब्ध है यहाँ। तो मशीनों के लिए भी अगर आप बेस्ट मशीन लेना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं यहाँ, और यहाँ जानकारियाँ ले सकते हैं। और इस तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक मैं उस चीज़ की सेटिंग कैसे बताऊंगा आपको और उसका सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा। इसलिए आप कमेंट में हर प्रॉब्लम को जो है आप बताते रहिए। मशीनों की पार्ट्स की अगर आपको आवश्यकता है जो आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, वो कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं, जो कि आपको चाहे वो हीटर हो, पंखा स्विच हो, हीटर स्विच हो, एनी वेज कोई भी प्रोडक्ट हो वो आसानी से मंगा सकते हैं करके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।